हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो हम बना रहे हैं खास करके आपको स्पेशली थैंक्स बोलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आप सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, कुछ सांपों को हम फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए लाए थे, उसके बारे में जानकारी देंगे, और आज कुछ सांपों के बारे में अलग जानकारी देने वाला हूँ उसके बाद। इसलिए आप क्या करिए, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने ये फोर व्हीलर भी ले लिया है, और इसका नंबर देखिए आप, MH16BZ2714। इसका नाम जो है सांप की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने ये नंबर चूज किया है। और ये आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो का लोगो S3। तो चलिए, हम बारी बारी में सांपों को आजाद करेंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कोबरा स्नेक, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम आजाद कर देंगे। और दोस्तों, इसके बारे में काफी सारे वीडियो हमने पहले ही बना चुके हैं, तो ज्यादा कुछ इसके बारे में बोलूंगा नहीं। आप देख सकते हैं ये स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक है, एक जहरीला सांप है। यहाँ पर इसको आजाद कर देते हैं। और ये दूसरा अभी हमारे पास एक और स्पेक्टिकल कोबरा है, गुस्से में काफी। ये भी एक स्पेक्टिकल कोबरा है, थोड़ा बड़ा था पहले वाला, अभी ये छोटा वाला है थोड़ा। तो दोस्तों, इसको भी हम यहाँ पर आजाद कर देंगे। और हमारे पास सांप है कुछ, वो भी हम आजाद करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सो एक रैट स्नेक है हमारे पास, ये भी हम यहाँ पर आजाद कर देंगे। ये छोटा वाला है रैट स्नेक, यानी धामन सांप, ये बिना जहर वाला है। तो यहाँ पर इसको भी आजाद कर दिया। और ये दूसरा वाला है हमारे पास, ये बोलेगा उसे हमने रेस्क्यू किया था, इसको भी हम यहाँ पर आजाद कर देंगे। सो दोस्तों, हैंडलिंग के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं सांप इतनी आसानी से कैसे हैंडल कर पाते हो, तो इसको सीखने का एक कला होता है, लगभग 1 से 2 साल 3 साल तक भी लग सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए कोई भी सांप को हैंडलिंग ना करें। अब अगर ये बिना जहर वाला सांप है, ठीक है, कोई लोग सोचते हैं कि हम इसको भी आसानी से हैंडल कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं, आपको इसको सीखना होगा। एक फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे कि ये फोर व्हीलर है, अभी ये मुझे आता नहीं है फिलहाल, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि आप स्टेयरिंग पर बैठ जाओ और चलाओ, तो मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे डर लगेगा, क्योंकि मैंने चलाया नहीं कभी। इसके लिए मुझे सीखना होगा, ट्रेनिंग लेना होगा कि किस तरह से वो जो स्टेयरिंग होता है घुमाना पड़ता है, कब ब्रेक लगाना पड़ता है, कब एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, ये सब मुझे सीखना होगा, ठीक है। और सिखाना वाला, जैसे कि अभी मेरा दोस्त ही है शिराज सैयद, अभी ये फिलहाल हमारी गाड़ी पर अभी ड्राइवर है, मेरा दोस्त ही है, तो ये पूरी तरह से सीख चुका है, तो ये चलाता है। अगर फोर व्हीलर चलाता है तो आसानी से चला पाएगा, लेकिन मैं अगर उस पर बैठ जाता हूँ, चला लेता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं गाड़ी ठोक दूंगा। इसी तरह ऐसा होता है कि सांप अगर कोई पकड़ता है बिना प्रशिक्षण के, तो उसको सांप काटने ही वाला है। हम लोगों को क्यों नहीं काटता, क्योंकि हम लोगों को पता है ये कब बाइट करने वाला है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब पर वीडियो देख कर कि कोबरा सांप है जो ऐसा फन निकालता है, फिर उसके बाद उसको आप पूंछ की तरफ ही क्यों पकड़ते हैं, उसको ऐसा हाथ पे क्यों नहीं उठाते हो जैसे रैट स्नेक उठाते हैं, और जैसे कि उसको किस करना, ये वो ऐसा बोलते। दोस्तों, हम लोग इसी तरह से हैंडल कर सकते, जिस तरह से मैंने ये अभी रैट स्नेक उठाया, इस तरह से मैं कोबरा भी हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, आप सोचोगे कि उसके दांत जो हमने निकाल दिए हैं। और दूसरी बात ये होगी कि जो नए स्नेक कैचर है, जो अभी फिलहाल हाल ही में सीख चुके हैं, वो ऐसा करने का ट्राई करेंगे जिस तरह से मैंने अभी हैंडल कर लिया है, तो उनको काट लेगा। इसलिए मैं एक गलत मैसेज मेरे द्वारा लोगों तक पहुँच जाएगा, क्योंकि आज मुझे लाखों लोग देख रहे, करोड़ों लोग देख रहे कि मैं किस तरह स्नेक हैंडल कर रहा हूँ। इस तरह से अगर मैं कोबरा को हैंडल करूँगा तो क्या हो जाएगा, जो नए लोग हैं कॉपी करने की कोशिश करेंगे, अगर उनको काट भी सकता है। इसलिए मैं इस तरह से कोबरा हैंडल नहीं करता, आसानी से सिंपल तरीके से मैं उसको पूंछ की तरफ से हैंडल करता हूं, क्योंकि वही सही तरीका होता है, ठीक है। पूंछ की तरफ पकड़ना वही सही तरीका है, सांप को तकलीफ नहीं होता है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, उसको मुंह को दबा देते हैं इसी तरह,
इस तरह ऐसा मुंह को दबा देते हैं, वो सांस नहीं ले सकता। अगर ऐसे सांप को पकड़ लिया, इस तरह से अगर आप सांप को पकड़ लेंगे तो गुस्सा ही आने वाला है। इसलिए मुंह की तरफ से सांप नहीं पकड़ना है। अगर आपको पकड़ना नहीं आता है तो आपको पकड़ने की जरूरत है ही नहीं। आपके घर के आसपास सांप निकलता है तो आप किसी और स्नेक कैचर को फ़ोन करिए जो प्रोफेशनल है। अगर आपको नहीं मिलता है किसी स्नेक कैचर का नंबर तो आप क्या करिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग जो है, पर्यावरण संरक्षण खाता जो है स्पेशली गवर्नमेंट का, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप पकड़ने की कोशिश ना करें। अगर आपको आता नहीं है तो आप ना पकड़े। अभी देखिए सांस नहीं ले पा रहा है। अगर ऐसे में उसको पकड़ लूँगा, इस तरह से लोग बोलते आप मुंह की तरफ से क्यों नहीं पकड़ते, तो उनको मैं खास ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि इनको तकलीफ होता है तो हम बिना तकलीफ दिए सांपों को पकड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरी तरह से सीखना होगा, इस तरह से हैंडलिंग करना होगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप किसी स्नेक कैचर के पास सीखोगे। अभी मान लो मैंने बताया कि फोर व्हीलर का मैंने एग्जांपल दिया, अभी समझ लो मैं फोर व्हीलर ट्रेडिंग पर बैठता हूँ, मैं खुद चला नहीं सकता इसको, कोई ड्राइवर जो पक्का है वो मुझे सिखाने के लिए मेरे बगल में बैठेगा, मुझे बताएगा कि इसको कैसे हैंडल करना है, किसको किस तरफ स्टीयरिंग घुमाना है, कब एक्सेलरेटर दबाना है, कब रेस करना है, ये सब बताएगा, तभी मैं उसको धीरे 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 सीख जाऊंगा। वीडियो देखकर मैं सीखूंगा नहीं। अगर किसी का मैंने वीडियो देखा है, बस मैं बगल में बैठा हूँ और कोई चला रहा है, ऐसा देख कर अगर मैं सीखता हूँ तो ये गलत है, इम्पॉसिबल है। आप भी सोचो, अगर आपने हज़ारों वीडियो अगर किसी को ड्राइविंग करते हुए देखे, चलाते हुए देखे, तो आप उसको देखकर कॉपी करके सीख नहीं सकते जब तक आप स्टीयरिंग हाथ में नहीं लेते। ठीक है, मेरा यही संदेश है कि आजकल युवा लोग क्या कर रहे हैं, आज सांप पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सभी से कहना है कि अगर आपके घर के आसपास सांप निकलता है तो किसी को भी सांप पकड़ने ना दे। ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल स्नेक कैचर है तो उसी को भी पकड़ने दे। अगर कोई डेयरिंग से पकड़ने की कोशिश करता है तो आप जिम्मेदार रहोगे खुद। और दोस्तों, बस यही कहना चाहता था कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए सांपों को हैंडलिंग ना करें। और एक बात कहना चाहूँगा, अभी जो युवा लोग हैं वो सीखना चाहते हैं ऐसी कला को, तो इसका सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्नेक ऑफ इंडिया बुक्स पढ़ना होगा, जो सांपों पर स्टडी करना होगा एक साल के लिए, लगभग 5-6 महीने के लिए आप उस पर स्टडी कर सकते हो। पहले स्टडी करो, फिर किसी स्नेक कैचर को जैसे हम लोग हैं उनसे कांटेक्ट करो, उनके कांटेक्ट में रहो, उनके साथ काम करो। जैसे अभी सिराज सैयद हमारे साथ काम कर रहे हैं, जैसे नवाज शेख है, अतुल पाकरे है, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल है मेरा जो मेरे साथ काम करता है, वो मेरे साथ काम कर करके 1-2-3 साल में पूरा सीख गए हैं। तो इसी तरह आपको क्या करना होगा, किसी और स्नेक कैचर के पास सीखना होगा। इसका ट्रेनिंग किधर मिलता नहीं है, किसी के साथ काम करना सीखना उसी को ही ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, उसी को ही प्रशिक्षण कहते हैं। तो बस यही कहना चाहता दोस्तों कि फिर एक बार बोलता हूँ, बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए आप सांपों का हैंडलिंग ना करें, वरना एक ना एक दिन आपको ये जानलेवा होगा। कैसे, अभी मान लो ये फोर व्हीलर मैंने बताया कि एग्जांपल मैंने दिया, अगर मैं चला रहा हूँ, मेरी किस्मत है जब तक मैं अच्छा चला रहा हूँ, नेरिंग से अगर मैं चला लिया देख कर, ठीक है, अगर मैंने ये फोर व्हीलर मैंने देख कर किसी का कॉपी करके, अभी ऐसा चलाता है, ऐसा घुमाता है, तो मैं इसे देख कर कोशिश करने की करूँगा, तो अच्छे ही मेरी किस्मत, एक दिन में बच गया, 2 दिन में बच गया, 3 दिन में बच गया, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कहीं ना कहीं ठोक दूंगा उसको। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा नहीं, किसी ड्राइवर से ड्राइविंग करना सीखा नहीं है। तो बस आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ दोस्तों। इसलिए आप क्या करिए, सांपों का हैंडलिंग ना करें। तो ये जो स्नेक है, हमने बोले गाँव में रेस्क्यू किया था, अभी 1 घंटा हो गया हमने रेस्क्यू किया, और यहाँ पर फॉरेस्ट में इसको रिलीज़ करने के लिए आए। और आपको इसके बारे में और सांपों के बारे में, हैंडलिंग के बारे में, और स्पेशली मेरे जो सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स है, उनको स्पेशली थैंक्स बोलने के लिए वीडियो बनाया था। तो आज लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। तो सभी सब्सक्राइबर से, सभी व्यूअर से, सभी मेरे दोस्त, तहे दिल से मेरा फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत तहे दिल से मेरा धन्यवाद। और दोस्तों, चलिए इसको हम आज़ाद कर देते हैं। और एक बात बोलना चाहूँगा इसको रिलीज़ करते हुए, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए क्या करना है, इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब नाम का बटन होगा, उसे दबाना है और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है।